मास सेंटर ऑफ मास लिनियर मोमेंटम एंड काइनेमेटिक्स एंड कोलिजन का न्यूमेरिकल 35। अ बॉल ऑफ मास एम स्मॉल एम मूविंग एट स्पीड वी मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विथ एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो एक बॉल ऑफ मास एम और चल रहा है किसी वेलोसिटी से। अब यहाँ पे दूसरा बॉल है और वो रेस्ट है यार, लेकिन आइडेंटिकल बॉल का है मतलब उसका मास एम होगा, तो ये कोलिजन होगा क्योंकि ये रेस्ट में ये चल ही नहीं रहा और ये यहाँ पे आ रहा है, तो कोलिजन होगा ही है। और ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन। अब कोलिजन तो होने वाला है, तो ये होगा ड्यूरिंग कोलिजन, ये होगा ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलिजन होने के बाद फिर उनकी एनर्जी लॉस हो गई और लॉस होने के कारण फिर वो सेपरेट हो गए। अब इसे कहते हैं आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब इस सिचुएशन दिया है और हमें बोला है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पे ये टकराएगा कब इस पर, जब इसका स्पीड मतलब एक बॉडी है ये चल रही है u1 स्पीड से और दूसरी बॉडी भी सपोज चल रही है यहाँ पे रेस्ट पे, लेकिन ये टकराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए इससे, तभी वो टकरा सकेगी। टकराने के बाद वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे और कहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाएगी और फिर वो सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद सपोज इसकी वेलोसिटी u1 थी पहले, तो v2 बन गया और ये v1 हो गई और u2 वाले की v2 बन गई। अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन, वो सेपरेट हो गए। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी कम हो गई, अब इसकी वेलोसिटी कम होगी और इसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो ये क्या होगा, आगे आगे चलता जाएगा, और इसकी कम हो गई तो वो पीछे पड़ेगा, मतलब ये आगे आगे, तो इनका दोनों का सेपरेशन, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है लेकिन ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का सेपरेशन बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये चल रहा था कम स्पीड से लेकिन ये ज्यादा चल रहा था, इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अप्रोच हो रहा है उस, इसलिए इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच। अब स्पीड ऑफ सेपरेशन किस पर डिपेंड रहेगा, ये ज्यादा सेपरेशन कब रहेगा, अगर उनका यहाँ पे इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ अप्रोच अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या कि ये स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो ज्यादा रहेगा जब ज्यादा स्पीड ऑफ अप्रोच होगा, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अप्रोच, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अप्रोच। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब ये v2 ज्यादा है माइनस v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अप्रोच, मतलब ये इसकी ज्यादा है तो ये u1 माइनस u2। अब इक्वल टू लिखेंगे इधर तो क्या होगा, कोई कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट जो होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, तो ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे, तो ये v2 माइनस v1 और ये सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे, मतलब ये इतना आ जाएगा, तो ये हमें फाइंड करना है कि ae। तो इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए अभी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e u1, ये रेस्ट में है इसका कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v1 और v2 को इस तरह से लिखना पड़ेगा, इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा हमें पहले, बाद में ई हमें मिल जाएगा। अब हमें न्यूमेरिकल में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी सिस्टम की, इट इज 3/4 दी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे हमें बोला है कि आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट इज इक्वल टू 3/4 दी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ओरिजिनल मतलब बिफोर कोलिजन, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके अनुसार अगर हम कुछ डील करते तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 पहला जो मास होगा उसकी वेलोसिटी v1² प्लस 1/2 m और दूसरे बॉल की वेलोसिटी, ये होगी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/4 ऑफ द बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन किसकी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1/2 m u, वो दिए v² ये दिए हमें v²
और इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ये तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे थ्रो आउट 1/2 से निकाल सकते हैं, ये मास भी निकाल सकते हैं, मास भी थ्रो आउट निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन मिल जाएगा हमें, एक इक्वेशन मिला था हमें, वैसे एक इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख देते और कुछ और सोचते है। अब क्या सोचना है कि यहाँ पे ये बॉडी, यहाँ पे इसका स्पीड ज्यादा था, यहाँ पे कोलाइड हो गया ड्यूरिंग कोलिजन और सेपरेट हो गई, मतलब इसमें कहीं पे भी बाहर का कोई एजेंट आया नहीं, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होता है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा इसका, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही होगा फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, पूरे इस बॉडी और ये बॉडी, ये बॉडी की मास इंटू इसकी वेलोसिटी हमें वी बताई है न्यूमेरिकल में, और इसकी वेलोसिटी है नहीं तो ये जीरो आ जाएगी, इज इक्वल टू फाइनल सिस्टम। तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो ये ऐसा रिलेशन मिल गया है। इसमें से थ्रू आउट हम एम को गायब करेंगे तो ये रिलेशन यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। तो इक्वेशन है दो मिले, इक्वेशन तीन मिले। अब तीन इक्वेशन का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं और हमें कुछ क्या मिल पाता है या नहीं वो तो अपना देखना पड़ना है। तो तीन इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो ये इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो देखो ये इक्वेशन 1 और 3 जो मिला है, अगर उन 1 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये V1 गायब हो जाएगा और V2 मिलेगा, 2V2 लेफ्ट साइड में उसके 2 से डिवाइड करेंगे तो V2 की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह से अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो V2 चला जाएगा और V1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल V1 और V2 की वैल्यू मिल रही है इक्वेशन 1 और 3 से। तो पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 3 को ऐड किया तो ये V1 चला गया और ये 2V2 आ गया, 2V2। अब राइट साइड में क्या रहेगा, राइट साइड में ई वी प्लस वी, मतलब वी को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ई वी आ गया। ये इक्वेशन 4 लिखते और फिर 1 और 3 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसके और इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस माइनस गया तो ये V2 और ये माइनस, V2 चला गया और माइनस V1 और ये माइनस ये, तो ये माइनस आ जाएगा। तो उल्टा करेंगे हम, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 करते तो ये माइनस माइनस, तो ये V2 चला गया और V1 और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 2V1 आ जाएगा इज इक्वल टू V माइनस EV। तो V को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस EV, इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से V2 मिल रहा है इतना और इस इक्वेशन से V1 मिल रहा है इतना, तो V1 और V2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 किस तरह से बनता है ये देखते हैं। तो पुटिंग V1 एंड V2 इन इक्वेशन, वो 2 नंबर का है तो 2 नंबर की इक्वेशन में हम उसे पुट कर रहे हैं और सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन 2 बिकम्स V1 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ई वी डिवाइडेड बाई 2 इसका पूरा स्क्वायर प्लस V2 कितना, ई 1 प्लस ई और ए वी डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 और ए वी का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करना है, सबका स्क्वायर करना है और कॉमन टर्म्स निकाल देनी है। तो देखो ए स्क्वायर करते हैं तो हर एक टर्म का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, वी का स्क्वायर होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसका हर टर्म का स्क्वायर करते हैं तो ए ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, वी का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। अब थ्रू आउट 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो ये 4 और ये 4 और ये 4 चला जाएगा। यहाँ पे भी ए वी स्क्वायर और ए वी स्क्वायर चला जाएगा। अब इसका ब्रैकेट सॉल्व करते तो ए ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस 2 ई प्लस ई स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर सॉल्व ए कर दिया और प्लस इसे भी 1 प्लस 2 ई प्लस ई स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से इसे सॉल्व कर दिया इज इक्वल टू 3 आ रहा है और ये माइनस 2 ई और ए प्लस 2 ई भी गायब, तो 1 प्लस 1 2
प्लस वन टू, और ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर, तो ये टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। इसमें भी अब ई स्क्वायर चाहिए तो टू को भेज देते इस साइड में, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वन, और ये ई स्क्वायर क्या बनेगा वन अपॉन टू, मतलब ई क्या बनेगा वन अपॉन ये टू का स्क्वायर रूट, तो ये ई की वैल्यू इस तरह से इतनी मिल जाएगी।